यहाँ पे ना इस टेक्सचर में क्रम्बल करती हूँ। ये जो इसका टेक्सचर है ना, ये ब्लैक ग्रेनी सैंड है गाइस। मैं तो खुद चाह रही हूँ कि टेक्सचरों के कलर जो है ना दोबारा ग्रे ही हो जाए, ताकि ना बंदा उसकी सैंड को जो है ना रीन्यू कर लेता है। हर टेक्सचर तो मेरा काला ही नज़र आता है। हूँ इसका पेस्ट देखो, मुस्लिमा करके आई थी, वो कह रही थी कुछ ऐसी वीडियो बनाए जिसमें टेक्सचर गुम हो जाए, तो वो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी वही मैंने जो है ना स्पेशली ऐसे रिकॉर्ड की थी। सारा पेस्ट ऊपर आया, इसमें और क्रम्बलिंग करके ना फिर इसको स्लैब पे निकाल देती हूँ, और टोड़े पे निकाल देती हूँ, स्लैब बना दूंगी ऊपर। हालांकि इधर भी मैंने पानी निकाला हुआ है गाइस, मेरा हालांकि ठीक हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। मिनट बाद इन्हें याद आ जाता है। धूप की तपिश है आज। मामा बंद कर दी थी ये नेट बंद कर दिया आपने की है क्या, पता खराब हो गई हो। हाय हाय, इसका पेस्ट निकल जा रहा है। चलो इसको बाद में देखूंगी। अब आगे इधर वाली साइड पे आते हैं, यहाँ पे जो रैंडम चंक्स निकलते हैं ना यार, ये देखो कितना हार्ड टेक्सचर हुआ है। ये सारा इसका लिक्विड है, ये जो नीचे नज़र आ रहा है आपको, इसकी भी एक ये भी वही टेक्सचर है जो अभी मैंने क्रम्बल की है। खैर यहाँ पे जो इसकी एक सॉफ्ट शेप है ना वो क्रम्बल करते हैं। आगे आ जाओ, यहाँ पे देखो ग्लिटर टेक्सचर को वाटर क्रम्बल किया था और इसके अंदर मन पानी खड़ा हो गया। और यहाँ पे जो हमारा टेक्सचर है ना ग्रीटी ब्लैक टेक्सचर, इसके चंक्स की इसको तोड़ के मैंने कहा क्रम्बलिंग करती हूँ।
दरअसल ये ज़रा ना हार्ड शेप्स बनी है इसलिए। मुझे ना ये ड्राई टेक्सचर को जब गीला करते हैं ना तो इसकी जो खुशबू है ना तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे ये वाले टेक्सचर्स की, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा चारकोल भी है तो उफल्ला जब ये ड्राई वो वेट होते हैं ना बहुत सेटिस्फाइंग टेक्सचर की स्मेल आती है, इतना सुकून मिलता है ना। रात को मर्डर की ग्रम्बलिंग जब कर ओ सॉरी जब हम उसकी स्लैब्स बना रहे थे ना, जब उसकी मिक्सिंग कर रहे थे तब भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, जैसे सही मिट्टी को हम लोग लगे हुए हैं। अभी भी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, दिल नहीं चाह रहा यहाँ से उठने को। ये देखो भाई है किन्ने देते इतना बड़ा, अच्छा यहाँ से उठा के फिर इस किसी ने डाल दिया। ओके दरअसल गाइस यहाँ पे हुआ है एक काम जो कि मैंने नहीं किया, मुझे लगता है अम्मी ने किया है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्राउन टेक्सचर है ना उसकी सिर्फ और सिर्फ मुझे 1, 2, 3 और 4 शेप्स नज़र आ रही है, 4, 5 शेप्स नज़र आ रही है। मुझे लगता है 1-2 शेप्स इसमें क्रम्बल हो गई हैं और टेक्सचर जो है ना, मैं भी कहूँ इसका कलर क्यों इस तरह का हो गया है, इट्स मीन अब ये टेक्सचर उसी में मिक्स हो गया। ये ब्राउन टेक्सचर था, मैं इसको छेड़ ही नहीं थी रही कि यार इसमें मिक्स ना हो जाए, जगह बनाऊंगी तो फिर इसकी क्रम्बलिंग करूंगी, तभी इसका कलर मैं भी कहूँगी इतना डस्टी डस्टी कलर क्यों हो गया, ये तो फिर भी सही था। इसके ऊपर क्रम्बलिंग करूँ हमारा के ओके नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी कितना खलारा पड़ा हुआ है। ओके हमारी ये वाली शेप्स ग्रे कंक्रीट, यार मुझे ये वाली शेप्स बड़ी पसंद है।
नेक्स्ट वन, यहाँ पे कल इन्होंने मजदूरों ने काम किया ऊपर फिर, और ये देखो कितना ज़्यादा सैंड सीमेंट फिर इसके ऊपर गिरा हुआ है, पता नहीं की यार। ये तो बैठा है, दिस इज कॉल्ड छत वाला टेक्सचर। चलाओ इसके अब हम क्रम्बलिंग करते हैं। देखो ये लम्स इसके अच्छे से छोटे किए होते ना फिर ये क्रम्बल हो जाने थी। जा दफाओ, मैं थक जाती हूँ इस तरह टेक्सचर्स के साथ खप के। बाकी ये टेक्सचर है अच्छा, इसको अब मैं खुद अपने तरीके से, यार मेरा अब ज़रा जहन बन गया है कि मैं ना शेप्स मेकिंग भी जो है ना खुद ही करूँ उन टेक्सचर्स की, जो कि टेक्सचर्स पता है कि भाई ये हार्ड हो जाते हैं मम्मा से। ठीक है, ये सीमेंट लग गया यहाँ पे, इसको फौरन फौरन उतारना चाहिए था, नहीं तो फिर ना ये यहाँ पे भी लगा हुआ है, इसको भी मैं ना सेकंड टाइम उतारूँगी। आगे आ जाती हूँ ये लास्ट टेक्सचर की तरफ, इसकी क्रम्बलिंग करके ब्लॉग को एंड करती हूँ। वैसे हम लोग भी ना सोचते नहीं है, बंदा इसमें ही क्रम्बलिंग कर देता है या किसी चीज़ पे क्रम्बलिंग कर लेता है। वाइट टेक्सचर है इसकी, वाइट टेक्सचर का सत्यानाश हो रहा है। इसकी जगह बनानी पड़ेगी कहीं और। चलो जनाब फिर ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, बल्कि शेप क्रम्बल कर दूँ मैं बस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाबा टाटा, अल्लाह हाफिज़, फी मैंने लव यू ऑल, बाय बाय।